Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen. Learn physics in the easiest way. So the next question we are having, the ratio of specific heat of electrons in a heated copper wire at two temperatures 200 degree and 100 degree centigrade. तो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट की रेशियो की बात की गई है. तो जब हम लैटिस स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं तो हमें ये मिलता है ए टी प्लस बी टी क्यूब. ये क्यों मिलता है हमें ऐसा, क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट को भी कंसीडर कर रहे हैं और लैटिस के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसकी वजह से जो फोनोनिक स्पीड स्पेसिफिक हीट है हम उसे भी कंसीडर कर रहे हैं. तो सी वी यहाँ पर बात की गई है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की, इसलिए आप सी वी को सिर्फ ए टी लेंगे क्योंकि आपके पास लैटिस वाइब्रेशंस या फोनोनिक स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है. तो सी वी प्रोपोर्शनल टू टी, सी वी वन अपॉन सी वी टू इज टी वन बाई टी टू. टी वन है आपके पास 200 और कैलविन में कन्वर्ट करेंगे इसे, हमेशा भूलना मत. 100 प्लस 273, सो इट्स 473 अपॉन 373, देन इट्स गोइंग टू बी 1.27, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो बहुत केयरफुली अटैम्प्ट करें, टू बी ऑप्शन में गिवन है. इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन, हमेशा रेशियोज टेम्परेचर के जहाँ भी आ रहे हैं या टेम्परेचर की जहाँ भी बात आ रही है, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू केल्विन ऑलवेज. डायमेंशनल एनालिसिस का अच्छे से ध्यान रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया नेट में, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे 1 मार्क में है. कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट दैट इज डायरेक्टेड अलॉन्ग जेड एक्सिस. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड पॉइंट इज गिवन बाई वी आउट एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन थीटा एंड आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड थीटा इज द पोलर एंगल. द चार्ज डेंसिटी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फीयर. तो यहाँ पर जो है आउटसाइड हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके उस पॉइंट पे आर पे डिपेंड करेगा. तो हम सिग्मा को यहाँ से लिख सकते हैं माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल आर. तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, माइनस एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स गोइंग टू बी डेल बाई डेल आर ऑफ माइनस ई नॉट कॉस थीटा एंड इट्स आर माइनस आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर. मैंने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से, तो ये भी कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, ई नॉट कॉस थीटा एंड एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव भी हो गया. अभी क्या करना है आपको, यहाँ से 1 माइनस और इसकी वैल्यू को कर देना है आपको 2 प्लस हो जाएगा 2r³ अपॉन स्मॉल आर क्यूब. अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात की गई है, तो सरफेस कहाँ है, r इक्वल्स टू r पे है. तो बस कुछ नहीं करना, आपको r इक्वल्स टू r पुट कर देना है एंड योर फाइनल आंसर विल बी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट कॉस थीटा. r इक्वल्स टू r पुट करने पर ये 1 प्लस 2 हो जाएगा, 3 epsilon नॉट ई नॉट cos थीटा विल बी द आंसर. ये क्वेश्चन क्लास नोट्स में भी है जो बहुत पहले हम कर चुके हैं और जस्ट 22 में पूछा गया है, किसी स्टैंडर्ड बुक का भी ये क्वेश्चन है. सो 3 epsilon नॉट ई नॉट cos थीटा विल बी द आंसर, दैट इज द चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेगा जरूर से. वी विल हैव मोर वीडियोज ऑन जस्ट सोल्यूशंस एंड एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे कि जस्ट 22, 21, 20 और बाकी जो 19 सारे जो क्वेश्चंस हमारे पास हैं हम सबको सॉल्यूशंस डिटेल प्रोवाइड कर सकें. सो प्लीज़ शेयर द वीडियोस एंड लाइक द वीडियो. एंड यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी 20% ऑफर चल रहा है एंड दिस ऑफर इज ओनली वैलिड टिल 21st ऑफ फरवरी. थैंक यू एवरीवन.